हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। सो गाइस, आज मैंने ये प्यारा सा सिंपल सा मेकअप लुक क्रिएट किया है गणेश चतुर्थी के लिए स्पेशल। ये बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक है जो आप किसी भी इंडियन ड्रेस के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखना और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइज, मैंने इस मेकअप लुक के लिए भी बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ किए हैं जो आप आराम से ले सकते हैं। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ रोज़ वाटर। इसको एक कॉटन पैड की हेल्प से मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। रोज़ वाटर को अपने फेस पे अच्छी तरीके से लगाने के बाद मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र। हमें मेकअप से पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। इसको मैं अपने फेस पे और नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। सो अब मैं लगा रही हूँ प्राइमर, और प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का प्राइमर। ये बहुत ही अच्छे वाला प्राइमर है और अफोर्डेबल भी है गाइज, बहुत अच्छे वाला है, आप एक बार यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं अपने फेस पे फाउंडेशन लगा रही हूँ। इसको डॉटेड फॉर्म में मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। और जब भी आप फाउंडेशन लगाएं तो गाइज भूलिए मत कि आपको अपने ईयर्स पे भी और अपने नेक पे भी सब जगह इसको अप्लाई करना है। और मैं एक वेट स्पॉन्ज की हेल्प से इसको टैप टैप करके पूरे फेस में ब्लेंड कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि स्पॉन्ज की हेल्प से करने में बहुत अच्छी फिनिश आती है। अब मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ मेबलिन का फिट मी कंसीलर, बहुत अच्छे वाला कंसीलर है, और इसको मैं अपने हाइलाइटेड पॉइंट्स पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। और गाइज, ये अफोर्डेबल भी है। इसमें मेरा शेड है 20 सेंट, और जो मेरा फाउंडेशन था उसमें मेरा शेड था 115। सो इसको भी मैं सेम स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे कितनी अच्छी फिनिश आ गई है। सो अब मैं अपने बेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ शुगर का बनाना पाउडर। ये बहुत ही अच्छे वाला लूज़ पाउडर है और इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। मेरा फेस ऑयली है तो इसलिए मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कुछ ही एरियाज़ पर इसको अप्लाई करें। सो नेक्स्ट मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ, और आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की ब्रो किट। इसमें मेरा शेड है एश ब्राउन। अपनी आईब्रोज़ को मैं अच्छी तरीके से सेट करने के बाद इसके बैक में दी हुई स्पूली की हेल्प से और सेट कर लूँगी। सो अब मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ, और आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट। ये बहुत ही अच्छी आई शेडो पैलेट है गाइस, और बहुत ही अफोर्डेबल है। इसमें आपको सब न्यूड शेड मिल जाते हैं कि हमारा नॉर्मल मेकअप इससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सो इसमें से मैं एक लाइट ब्राउन शेड लेकर अपनी क्रीज़ को बिल्ड कर रही हूँ। अपनी आई के आउटर वीप से आपको एक ब्लेंडिंग ब्रश से सेम इस कलर को लेकर अंदर की तरफ लेकर आना है। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ। ब्लेंडिंग करनी चाहिए गाइस हमको, जितनी ज़्यादा हम कर सकते हैं, जब तक कि हमको ये ना लगे कि हाँ हमारा पूरा मेकअप अच्छे से सेट हो गया है। ब्लेंडिंग इज़ द की ऑफ आई मेकअप। तो मैंने अपनी पूरी क्रीज़ को बिल्ड कर लिया है। अभी मैं इसी आई शेडो पैलेट में से ब्लैक शेड ले रही हूँ, और इसको एक ब्रश की हेल्प से अपने लिड पर अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्मोकी आइज़ नहीं चाहिए, बस एक थोड़ा सा इफेक्ट चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर अप्लाई नहीं करूँगी, मैं इसको सिर्फ अपने लिड पर अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ। सो अब मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से दोनों शेड्स को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि कोई भी हार्श लाइन दिखाई ना दे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ गया, एकदम नॉर्मल, बहुत ज़्यादा भी स्मोकी नहीं है। अगर आपको ब्लेंडिंग करने में दिक्कत हो रही है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे करके दिखाया है। थोड़ा सा आप अपनी आई को पकड़ कर हल्के हल्के से ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, हल्के हल्के करना है गाइस, और ये हो जाएगा। कोई भी मेकअप लुक करने के लिए जब आप आई मेकअप करते हैं तो आपको थोड़ा सा ब्लेंडिंग करने में टाइम देना चाहिए। सो हो गया मेरा ये कंप्लीट। अब मैं यूज़ करूँगी आईलाइनर, और आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का एब्सोल्यूट आईलाइनर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस, इससे मेरी बहुत अच्छे विंग्स बनते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी पतली पतली विंग्स मैं बना रही हूँ। सो आईलाइनर डन।
सो मैंने अपनी आई लैशेज अप्लाई कर ली हैं, वो मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर ली थी। और मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का कोलोसल मस्कारा। अब मैं अपनी आंखों पे अप्लाई कर रही हूँ काजल, और काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का काजल। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अफोर्डेबल काजल है। काजल लगा के देखो मेरी आंखों में एक अलग ही लुक आ गया है। सो अब मैं एक ब्रश लेकर जो मैंने काजल लगाया है उसके साथ ब्राउन शेडो लेकर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूँगी। अभी मैं अपने इनर कॉर्नर पर उसी आई शेडो पैलेट से एक लाइट शेड लेकर इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। आप खुद देख सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। ये करने से हमारी आईज़ में एक अलग ही इफेक्ट आता है और थोड़ी बड़ी लगती हैं, और अपनी ब्राउ बोन के नीचे भी हाईलाइट करना ना भूलें। सो अब मैं सेम आई शेडो पैलेट से ब्राउन शेड लेकर अपनी कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। आप खुद देख सकते हैं कि पूरे मेकअप में मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ उस आई शेडो पैलेट के किया है। ऑलमोस्ट पूरा मेकअप मैंने उससे ही कर दिया है। तो अब मैं अपना नोज़ की कॉन्टोरिंग भी कर रही हूँ, अपनी जॉ लाइन बना रही हूँ। सो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश, और ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का ब्लश। ये बहुत अच्छी पिगमेंट देता है गाइज, आप देख सकते हैं। और मेरे को थोड़ा सा पिंकी पिंकी सा भी मेकअप लुक चाहिए था तो मैंने ये अप्लाई किया। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इन कलर का हाइलाइटर। बहुत ही अच्छा ग्लो देता है ये, और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। इससे मेरे फेस पर अलग ही ग्लो आ गया है। अब मैं क्लीन ब्रश लेके पूरे फेस को सेट कर लूँगी। ओके, तो लिपस्टिक के लिए मैं न्यूड शेड अप्लाई कर रही हूँ गाइस, क्योंकि डे के लिए मैं कर रही हूँ मेकअप लुक, तो ज़्यादा डार्क मेरे को करना नहीं है। तो ये मैं बेला वोस्टे की रूट बियर शेड नंबर है इसका, ये न्यूड लिपस्टिक है। इसी का ही सेम लिप लाइनर और सेम लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ। ये भी बहुत अफोर्डेबल है और बहुत ही प्यारा शेड है। अब मैं एक छोटी सी बिंदी लगा लूँगी और इयररिंग्स पहन के अपना लुक कंप्लीट कर लूँगी। सो कैसा लगा गाइज आपको ये मेकअप लुक, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी।